मामा का देखते हैं, अभी तो फोन में बहुत बिजी हैं। गाइज़ वेलकम टू AM Lifestyle, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। गाइज़ आज जो है वो हम बना रहे हैं दही भल्ले, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और साथ में चटनियाँ भी बना रहे हैं। ये देखिए ये हमारी चटनी, एक मीठी और एक थोड़ी सी खट्टी, और ये देखिए ये दही भल्ले हैं और इसमें अभी हम चटनियाँ डालेंगे और साथ में हमारे पास पापड़ी भी है, ये देखें। ये देखें ये पापड़ी और हमारे पास ये क्या भल्ला कहते हैं इसको, ये भल्ला एक ही था तो हमने इसके पीसेस कर लिए हैं क्योंकि यूनिटी अच्छी बात होती है, यूनिटी करके खाना चाहिए। तो आपको बाद में जो है वो दिखाएंगे, सारा कुछ डाल के चटनियाँ वगैरह भी डाल के। हाँ जी, सर्विंग टाइम पे आपको दिखाएंगे। कैसी है चटनी? इसकी तो समझ नहीं आ रही, इसकी अभी कुछ समझ नहीं आ रही क्योंकि ये जो है वो करनी पड़ती है ना। हाँ, पहले इसका प्रोसीजर और होता है, हमने तो जल्दी जल्दी बस इसमें डाल दिया, पानी में डाल के हमने इसके वो भी नहीं किया, सॉफ्ट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, तो इसलिए अब चीनी डालने लगी है। ये रे शाहजा जी चीनी डालने लगी है, ये शायद कुछ हो जाए तो देखते हैं। अभी मैंने इसको तो रेडी कर लिया है, इसका टेस्ट भी बिल्कुल सही है और साथ में आज मैंने ये भी बनाया आलू अंडे और भाप आ रही है सालन की। वैसे तो शाजा जी खाना बनाती हैं लेकिन उनकी आज तबीयत ख़राब थी तो मैंने कहा मैं हेल्प करवा देती हूँ साथ, क्योंकि हेल्प करवानी चाहिए अगर किसी की तबीयत ख़राब हो तो। और ये जो जेबी है हेलो, ये बस ऐसे ही घूमता फिरता आ रहा है, कुछ नहीं इसने किया सुबह तक। हाँ हाँ बिल्कुल, क्या किया बताओ? जो जो वो कहते रहे सारे काम मैंने ही क्या किया। मामा बताना आप जरा, बयान करो। नहीं मैं नहीं कर सकता, कोर्ट कटनी में आओ। ओए, 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 ओए। खड़े हो कटहरे में, जरा पानी पी लो पिलाता। हाँ अब तो यही कहना है। तो गाइस आपको बाद में दिखाते हैं जब सर्विंग करेंगे हम। जी गाइस तो ये देखें हमारे दही भल्ले भी रेडी हो गए हैं, चटनियाँ भी रेडी हो गई हैं। चटनी जो थी ये इमली वाली, यह हमें थोड़ी समझ नहीं आई थी तो फिर हमने जो है वो नेट से देखा तो उसने कहा कि ज़ीरा जो है वो पीस कर डालें तो टेस्ट बिल्कुल ठीक हो गया। और ये जो आलू बुखारे की थी ये पहले से असल में बनी हुई थी तो हमने सिर्फ पानी ऐड करके तो इसको थोड़ा सा उस तरह हाँ रेडी किया है, उस तरह का बनाया है कि दही भल्लों में डालें तो इसलिए वो ठीक बन गई थी। और पापड़ी हमारे पास थी, बाकी ये भल्ले हमने ऐसे रख दिए हैं क्योंकि हम चार लोग हैं और चारों एक एक ले लेंगे। हाँ और मामा बताएंगी कैसी है। वैसे शारदा जी ने अभी टेस्ट किया है तो शारदा जी जरा बताइएगा कि आपको कैसा लगे। ये देखिए इनका बॉय बाउल अलग ही है, इन्होंने कहा मैं ज्यादा खाऊं तो इसलिए बाउल अलग रखा हुआ है। कैसी लगी? टेस्ट बहुत मजे का लग रहा है हमें। देखें गाइस अभी जो है हम मामा के लिए लेके आए हैं दही भल्ले और चटनियाँ, अभी रिव्यू देखते हैं क्योंकि शारदा जी ने तो रिव्यू दे दिया, अब मामा का देखते हैं, अभी तो फोन में बहुत बिजी हैं। फेसबुक चले चटनी डाल ले। चटनी भी खाती हूँ और आज बड़े मजे मजे के दही भल्ले बने हुए और मुझे लग रहा है कि तारीफें तो करनी पड़नी है। नहीं सच्ची तारीफें करो, चटनी डाल सच्ची के। तारीफ तो ये होती है कि बैठे बैठाए जब मिल रहा हो ना तो। नहीं तो चटनियाँ हमने बनाई है ना उसको चेक करके बताओ ना सही वाला रिव्यू। जरूर जरूर मैं पहले एक वाला लूंगी
फीके वाले का, मैं हमेशा हर चीज को पहले फीका खा के देखती हूँ, उसके बाद मैं उसका कोई टेस्ट बनाने की कोशिश करती हूँ। मुझे अगर मुझे प्लेन अच्छा लगे तो फिर मैं प्लेन ही खाती हूँ। डिलीशियस, बहुत मजे का। जी गाइस, तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और जो है मैंने सोचा कि आज हमने दही भल्ले बनाए हैं और साथ में चटनियाँ भी बनाई हैं, तो आप लोगों को ज़रा दिखाते हैं और रिव्यूज़ भी लेते हैं घर वालों का कि कैसी लगी उनको। तो आप लोगों ने रिव्यूज़ उनका देखा है, आप लोगों को कैसे लग रही थी देखकर तो बताइएगा ज़रूर। तो इसी के साथ अगले व्लॉग में मिलेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।